अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोहा चेवड़ा की रेसिपी। ये बनाना बेहद ही आसान है, तो चलिए देखते हैं पोहा चेवड़ा कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए नायलॉन पोहा लेंगे हम 300 ग्राम, रोस्टेड चना दाल लेंगे हम 1/4 कप, सूखा हुआ नारियल लेंगे हम 1/4 कप, कच्ची मूंगफली लिए मैंने 1/4 कप, आप अपने पसंद से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 छोटी साइज़ की हरी मिर्च लिए मैंने कटी हुई, 10 से 12 मैंने करी लीव्स लिए हैं, हल्दी लेंगे हम 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, सबसे पहले हम पोहे को रोस्ट कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाएँ। पोहे को हम बस 1 मिनट तक भूनेंगे, इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है। तो देखिए जो पोहे हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो पोहे मैंने कढ़ाई से निकाल लिए हैं, अब हम इसी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। ये जो हरी मिर्च है वो फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। चना दाल और नारियल जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं होता। कच्ची मूंगफली को थोड़ा वक्त लगता है फ्राई होने में, तो इसलिए हम मूंगफली को पहले फ्राई करेंगे। मूंगफली जब 50% फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें नारियल और चना दाल ऐड करेंगे। तो देखिए अब ये मूंगफली 50% तक फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें नारियल ऐड कर देती हूँ। नारियल को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें चना दाल ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें चना दाल ऐड कर रही हूँ, तो अब हम इन सभी चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इन सभी चीज़ों को फ्राई करते हुए, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली ये सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें पोहा ऐड करेंगे। तो सारा पोहा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो अब हम पोहे को अच्छे से मिक्स करते हैं। जब तक सारे पोहे में हल्दी का कलर नहीं आ जाता तब तक हम इस पोहे को मिक्स करेंगे। तो अब ये जो पोहा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसमें येलो येलो सा हल्दी का कलर भी आ चुका है, तो ये पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आप इसे मेहमानों को सर्व करें या फिर बच्चों को बना कर दें, या फिर आप इसे टी टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।